बैठ के करने वाले आसनों में गौमुख आसन का अभ्यास बहुत ही प्रभावशाली है, लाभकारी है। वज्रासन में बैठ करके और बाएं एड़ी पर हम बैठ जाएंगे, एनस को गुदामार को रख देते हैं और दाहिना पैर को ऊपर से रखेंगे इस प्रकार से, और दोनों घुटना एक दूसरे के आमने सामने, और एड़ी पर गुदामार के एनस है, मूलाधार चक्र है, और जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर करेंगे और इसे पीठ की तरफ गिरा लेंगे, और जो पैर नीचे है यानी बायां हाथ पीछे से घुसा करके और दोनों हथेली को आपस में पकड़ लेंगे, केहनी को 90 डिग्री पर सीधा करते हुए इसे आंखों से देखते हुए आसमान की तरफ नज़र रखेंगे। ये कुबड़पन के लिए, मेरुदंड के लिए, गर्दन दर्द के लिए, भुजाओं में ताकत के लिए, हृदय रोग के लिए और बहुत ही लाभकारी है, और विशेष करके पुरुषों में हाइड्रोसील के लिए और बवासीर की बीमारी के लिए बहुत ही लाभकारी है ये गौमुख आसन का अभ्यास। तो आइए एक बार फिर पैर बदल के कर लेते हैं। अब दूसरे पैर पर बैठेंगे हम और दूसरा पैर को ऊपर रखेंगे, पुनः जो पैर ऊपर है हाथ ऊपर ले गए, पीछे किया, जो पैर नीचे है पीछे से घुसा करके और दोनों को आपस में पकड़ लेंगे, और केहनी को सीधा करके और शरीर भी सीधा आसमान की तरफ देखने का प्रयास करेंगे। इस गौमुख आसन का प्रतिदिन अभ्यास करने से बहुत ही लाभकारी। ओम।